हेलो प्रोफेशनल्स, 2021 में इंडियन जॉब मार्केट में 2020 के कंपैरिजन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ एंड नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि 2022 में इंडियन जॉब मार्केट अब कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, स्पेशली आफ्टर दिस थर्ड वेव ऑफ कोविड विच इज़ स्प्रेडिंग इट्स विंग्स सो फास्ट. Teamless Services has released their employment outlook report for the quarter January to March 2022, and this report expresses hiring intention of the employers across the country. So in this video we are going to discuss this report in detail and we'll try to understand how exactly Indian job market is responding in current quarter. We will cover these points in the video. Number one, कि किन sectors में इस quarter में सबसे ज़्यादा hiring आप expect कर सकते हैं. Number two, किन cities में सबसे ज़्यादा jobs इस quarter में roll out होंगी. Number three, last quarter के comparison में क्या current quarter में employers की hiring intention में कोई change हुआ है या नहीं. And number four, किस experience level के candidates की demand इस quarter में सबसे ज़्यादा होने वाली है. So whatever data points I'll be sharing with you, that is on the basis of Employment Outlook Report, which has been released by Teamless Services, for which they surveyed 829 employers across the country. And here are the employer details. And the one who do not know about Teamless, let me tell you, Teamless Services is one of the leading human resource organization in India, and they are one of the largest manpower service provider as well. So data is absolutely reliable. And now let's move towards the main part of the video. According to the report, one of the good news which we all can witness, that is Indian job market can rise by 9 percentage point in the current quarter if any major restrictions are not imposed on the business. और अगर मैं सेक्टर वाइज हायरिंग की बात करूं, देन 89% सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने करंट क्वार्टर में नए टैलेंट को हायर करने की अपनी इंटेंशन को एक्सप्रेस किया है. दैट मींस कि 89% सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर करंट क्वार्टर में नई जॉब्स अवेलेबल होंगी, नई वैकेंसीज अवेलेबल होंगी, विच इट सेल्फ इज अ गुड न्यूज़. सबसे ज़्यादा हायरिंग आप इस क्वार्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लगातार ये चौथा क्वार्टर है जहाँ पर आईटी हायरिंग के मामले में लीड कर रहा है. आईटी के अलावा जो बाकी सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप मैक्सिमम हायरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है, नंबर वन एजुकेशनल सर्विसेज, जहाँ पर 80% एम्प्लॉयर्स ने अपनी हायरिंग इंटेंशन को एक्सप्रेस किया है. नंबर टू फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर, जहाँ पर 71% एम्प्लॉयर्स ने अपनी हायरिंग इंटेंशन को एक्सप्रेस किया है. एंड नंबर थ्री ई कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, जहाँ पर 69% एम्प्लॉयर्स ने अपनी हायरिंग इंटेंशन को एक्सप्रेस किया है. एंड हेयर वी हैव डिटेल्ड लिस्ट ऑफ ऑल अदर सेक्टर्स अलॉन्ग विद देयर हायरिंग इंटेंशन. इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स भी हैं जहां पर आप मॉडरेट लेवल पर हायरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये सेक्टर्स हैं, नंबर वन लॉजिस्टिक, नंबर टू मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड नंबर थ्री फिनेंशियल सर्विसेज. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सिटी वाइज हायरिंग ट्रेंड, कि किस सिटी में कितने परसेंटेज एम्प्लॉयर्स ने अपनी हायरिंग इंटेंशन को एक्सप्रेस किया है. सो बैंगलोर इज नंबर वन सिटी जहाँ पर इस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा जॉब्स रोल आउट होंगी, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल होंगी, क्योंकि बैंगलोर में 88% एम्प्लॉयर्स ने अपनी हायरिंग इंटेंशन को एक्सप्रेस किया है. चेन्नई इज नंबर टू विद 71% हायरिंग इंटेंशन, एंड दिल्ली एंड हैदराबाद आर नंबर थ्री विद 65% इंटेंट टू हायर. एंड हेयर वी हैव डिटेल्ड लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द सिटीज अलॉन्ग विद देयर हायरिंग इंटेंशंस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि किस एक्सपीरियंस लेवल के कैंडिडेट्स की डिमांड इस क्वार्टर में सबसे ज्यादा होने वाली है. बट बिफोर दैट आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन टू आस्क. आर यू रियली फाइंडिंग दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, helpful? Is this information relevant to you? If yes, then like the video, subscribe to the channel to know more about job interview tips, career guidance and latest HR trends. And here on this channel you will find the answers of all your career related queries. So please click on the subscribe button right now. Coming back to experience wise hiring trend, which looks something like this. Noticeable thing is कि इस क्वार्टर में फ्रेशर्स के कंपैरिजन में जूनियर लेवल के कैंडिडेट्स की डिमांड ज़्यादा होगी, उनके लिए ज़्यादा जॉब्स रोल आउट होंगी, ज़्यादा वैकेंसीज मार्केट में अवेलेबल होंगी. एंड इफ़ यू फॉल इन दिस कैटेगरी वेर यू हैव एक्सपीरियंस समवेयर बिटवीन 2 to 5 years, देन चांसेज आर प्रिटी हाई दैट यू विल सिक्योर अ गुड जॉब इन करंट क्वार्टर. एंड नाउ आई एम शेयरिंग फंक्शन वाइज हायरिंग ट्रेंड विद यू, विच विल गिव यू अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि किस फंक्शन में कितनी हायरिंग आप इस क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड हियर इज द लिस्ट.
And if we have to understand how hiring intention is improving comparative to previous quarter, then in metro cities it has increased by 17%. In tier 2 cities, hiring intention has improved by 6%, in tier 3 by 4%, and in rural area it has increased by 2%. And now I'm sharing sector wise information जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि किस सेक्टर में हायरिंग इंटेंशन क्या है और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में उसमें क्या चेंज हुआ है. एंड हियर वी हैव आवर डेटा. एंड फाइनली नाउ इफ आई हैव टू कंक्लूड दिस रिपोर्ट, द रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करंट क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ज्यादा जॉब्स मार्केट में अवेलेबल होंगी, ज्यादा वैकेंसीज मार्केट में रोल आउट होंगी, विच इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल द जॉब सीकर्स. बट एट द सेम टाइम करंट क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में ज़्यादा अट्रिशन भी होगा. और इस सिचुएशन का एडवांटेज, अगर आप जॉब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए लेना चाहते हैं, देन यू नीड टू लर्न हाउ टू क्रैक एनी जॉब इंटरव्यू. एंड आई रियली मीन एनी जॉब इंटरव्यू. आई हैव डिजाइंड दिस जॉब इंटरव्यू प्लेलिस्ट स्पेशली फॉर द जॉब सीकर्स, विच विल गिव यू अ क्लियर आइडिया हाउ टू क्लियर एनी जॉब इंटरव्यू, कि आप किसी भी जॉब इंटरव्यू को कैसे क्लियर कर सकते हैं. And it's a must watch for you.